अभी जो कनाडा की सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा बेकार होती जा रही है कि क्या ये मेरा राइट डिसीजन था कनाडा में आने का, बीइंग बैक टू इंडिया फॉर एवर फ्रॉम कनाडा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, मेरी सारी वीडियोस को इतना ज्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। आई एम अबाउट टू हिट आवर फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स सून, सो इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम वॉचिंग माई वीडियो और कमिंग टू माई चैनल, देन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा कंटेंट पोस्ट करने की। ऑल्सो वी कैन हिट आवर गोल which is to hit the first 1000 subscribers soon. Title आप लोगों ने already देख लिया है thumbnail से, which is am I going back to India forever from Canada, जिसका आंसर मैं वीडियो के एंड में देने वाली हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। So, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। To be very honest, अभी कनाडा में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बन गई है जिससे मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ जो इंडिया वापसी जा रहे हैं। मैंने भी बहुत सारी सिचुएशंस राइट डाउन करी है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एंड जिससे फिर मैं ये डिसाइड करूंगी कि क्या मुझे इंडिया हमेशा के लिए जाना चाहिए या नहीं। कनाडा की सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा बेकार होती जा रही है कि कितने सारे जो स्टूडेंट्स है, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, अभी मैं बहुत लोगों को पीआर पे भी देख रही हूँ जो हमेशा के लिए इंडिया जा रहे हैं। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी इंडिया जा चुके हैं, वो भी हमेशा के लिए। फर्स्ट पॉइंट है जिससे मुझे हमेशा बहुत ज्यादा बुरा लगता है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कनाडा छोड़ के इंडिया चले ही जाना चाहिए, विच इज फेस्टिवल्स। सो जब भी कोई फेस्टिवल आता है, दिवाली आती है, होली आती है, या भी कोई भी इंडियन फेस्टिवल आता है, सो एवरी टाइम मुझे ऐसा ही लगता है कि क्या ये मेरा राइट डिसीजन था कनाडा में आने का, बिकॉज यहाँ पे मेरी फैमिली नहीं है। आई लिव विद माय हस्बैंड, बट हमारी 9 to 5 जॉब्स होती है, एंड जब कोई भी इंडियन फेस्टिवल आता है सो मैं इंडिया में देखती हूँ कि वहाँ पे हॉलीडेज पड़ गई हैं, एंड स्पेशली दिवाली पे सारे लोग लाइट्स लगा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। एंड ऑल्सो अगर मैं घर के बाहर भी जाऊँ तो कोई लाइट्स कुछ नहीं होता है। आई नो अब आप लोग बोलेंगे कि आप खुद से भी इंजॉय कर सकते हैं, यू नो सारे फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, बट जो मजा अपनी फैमिली के साथ फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने में है वो किसी और के साथ नहीं है। एंड सेकेंड पॉइंट इज होम सिकनेस। होम सिकनेस मुझे ही नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों से यहाँ पे बात करी है, सबको होती है, एंड आई नो हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होकर ही यहाँ पर आना पड़ता है कि हमें होम सिकनेस तो होगी ही, बट जब हम इंडिया में होते हैं, अगर आप वहां पे भी 9 to 5 जॉब करते हो, आप शाम को घर पे आते हो, आपकी फैमिलीज होती है आपके साथ में, एंड आप साथ में बैठ के डिनर करते हो, ऐसा नहीं होता जैसे कनाडा में होता है। आप सुबह से शाम जॉब करो, घर पे आओ, खुद का डिनर खुद के लिए बनाओ, एंड देन फिर सो जाओ, एंड देन वही सेम रूटीन। कि इंडिया में क्या होता है, अगर आप मंडे टू फ्राइडे जॉब भी कर रहे हैं तो जो सैटरडे एंड संडे आपको मिलता है उसमें सारी फैमिलीज गेट टूगेदर करती है, या फिर किसी के घर जाते हैं, कोई किसी के घर जाता है एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो सैटरडे संडे मिलता है उसमें या तो हमें अपनी लॉन्ड्रीज करनी होती है, या फिर ग्रोसरी करनी होती है, या फिर घर के बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो हमें खुद ही सैटरडे एंड संडे को करने पड़ते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज वेदर कंडीशंस। सो जो वेदर कंडीशंस है कनाडा की, विच कनाडा इज फेमस फॉर, यहाँ की जो वेदर कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा हार्श होती है। जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहां पे -30 तक जाता है, एंड कुछ एरियाज में तो -40 भी जाता है टेम्परेचर। ऑफकोर्स बचपन से ऐसी हैबिट नहीं होती है कि हम इतने ज्यादा लो टेम्परेचर में रहे, यहाँ पे टाइम टू टाइम वो बॉडी को हैबिट हो जाती है, बॉडी है वो इस हार्श वेदर की यूज टू हो जाती है, बट स्टिल टाइम लगता है, एंड उस वेदर कंडीशन की वजह से आपको ऑलमोस्ट 6 months सिर्फ घर के अंदर ही रहना होता है। अगर आपको सैटरडे संडे भी मिलता है अपनी जॉब से ऑफ, सो आपको सिर्फ घर के अंदर ही रहना होता है, क्योंकि बाहर आप यहाँ पे कहाँ जाओगे, हर जगह स्नो है, इतना ज्यादा लो टेम्परेचर है, आप कहीं नहीं जा सकते। सिर्फ आपको जाना होगा तो ग्रोसरी करने, या फिर कोई
भी घर का बहुत जरूरी काम है जिसके लिए आपको बाहर स्टेप आउट करना है, सिर्फ उसी के लिए ही आप बाहर जा सकते हैं। एंड जो फोर्थ पॉइंट है विच इज नो मोर इमिग्रेंट्स इन कनाडा, मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो खुद चाहती है कि जो इमिग्रेंट्स है वो कनाडा में नहीं आए, वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। अभी जो 4.9 मिलियन लोग है उनके जो वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं उनको वापसी अपनी कंट्री जाना ही है, वर्क परमिट रिन्यू कर देते वो भी इन लोगों ने बैन कर दिया है, वर्क परमिट भी रिन्यू नहीं हो रहे हैं, बिजनेस कैटेगरीज और जो नॉर्मल कैटेगरीज थी उनको पीआर भी नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस पे रिस्ट्रिक्शंस एंड ऐसे ऐसे रूल्स अभी यहाँ की गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है कि नॉट जस्ट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली उनका यही कहना है कि यहाँ पे मत आओ एंड अगर आप यहाँ पे हो या परमानेंट रेजिडेंस नहीं हो सो आप अपनी कंट्री चले जाओ। सो मेरा ये कंक्लूजन है अगर आप न्यू इमिग्रेंट हो और अगर आप कनाडा आने की सोच रहे हो देन आई सजेस्ट आप कनाडा मत आओ, दिस इज नॉट द राइट टाइम एंड दिस इज नॉट द राइट प्लेस नाउ। नाउ अब जिस चीज का आप वेट कर रहे थे अब मैं अपनी स्टोरी एंड अपनी सिचुएशन बता रही हूँ दैट एम आई गोइंग बैक टू इंडिया हमेशा के लिए। सो द आंसर इज, जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, इज नो बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, बस कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा ऐसा अभी सिचुएशन नहीं है कि मैं कोई स्टूडेंट हूँ या वर्क परमिट पे हूँ, सो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यू गाइस कैन से आई एम पी आर हियर, सो पर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एंड मेरी एक वेल सेटल्ड जॉब है, मेरे एक्सपेंसेस निकल रहे हैं। तो जो बात रही मैंने वेदर कंडीशंस की बात करी थी उसके लिए मेरी बॉडी अभी यूज्ड टू हो गई है एंड जितने भी फेस्टिवल्स, होम सिकनेस ये सारी जो चीजें फील होती है आई एम श्योर आपको भी होती होंगी, उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि पूरे साल मेहनत करो एंड 2 महीने के लिए इंडिया में वेकेशन बना के आओ। सो या यही मेरा अभी तक का डिसीजन है कि मैं मेहनत करूंगी एंड जब भी मुझे वेकेशन पे जाना होगा, फैमिली से मिलना होगा, सो आई गो बैक टू इंडिया फॉर अ मंथ और 2 मंथ एंड देन जितना मुझे एंजॉय करना होगा देन आई विल कम बैक हियर। या आई मीन नो दैट आई एम नॉट गोइंग बैक टू इंडिया। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, यस देन प्लीज टू लाइक दिस वीडियो, subscribe to the channel and hit the bell icon so that whenever I post a new video you guys will get the notification and I see you in the next video, till then bye.